मैं आप एक मिनट अब बोले। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम पाकिस्तान, इंडिया, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ उमर के लिए दुआएं की गई उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी दुआओं से ही उमर यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी उमर को दुआओं की ज़रूरत है। आगे की मंजिल अल्लाह उनकी आसान करे। मैं इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी, सिंध गवर्नमेंट का, उनका सीएम साहब का, मुर्तजा वहाब साहब का, जिन्होंने हम सबको हमारी इस टाइम बहुत मदद की। मैं वसीम बदामी भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि वो पहले दिन से मेरे साथ थे। अभी भी सबसे पहले मैं उन्हीं से बात करती हूँ। अमेरिका में एक मेरे भाई होते हैं कमर भाई, मैं उनसे हर बार डिस्कस करती हूँ। उनका शुक्रिया, डॉक्टर तारिक शाहब का शुक्रिया जिन्होंने अमेरिका में उमर के लिए हॉस्पिटल अरेंज किया। मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर साजिद चौधरी और डॉक्टर आयशा जफर का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन लोगों ने हॉस्पिटल का सब अरेंजमेंट किया हुआ था। मैं रेहान जो प्रमोटर है उनका शुक्रिया अदा करूंगी। और यहाँ जर्मनी में जहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी, यहाँ पे भी मेरे एक भाई बने हैं अमजद भाई, उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने यहाँ सब अरेंज कर दिया है। कौंसलेट जनरल जाहिद हुसैन साहब का बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मैं पाकिस्तान एम्बेसडर का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब का, सब बहुत मेरे साथ खड़े हैं, आप सबका शुक्रिया। उमर की ख्वाहिश थी, उमर ने मुझे बोला था और अभी भी उन्होंने मुझे बोला, अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे, वो सब लोग जानते हैं कि वो कितने पंजतन के मानने वाले हैं, बुजुर्गान दीन को मानने वाले हैं। तो मैंने वसीम बदामी भाई को और कमर भाई को बताया था कि उनको सिंध गवर्नमेंट से बात करें कि अब्दुल्ला शाह गाजी पे उमर को लेके जाएं, वहां मेरे उमर का घर हो। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने मेरी इस बात को, मेरे उमर की इस ख्वाहिश को पूरा किया, बहुत शुक्रिया। मैं उमर के साथ सारी जिंदगी, जब से मेरी शादी हुई है, हर जगह मैं उमर के साथ जाती थी, आज आखिरी टाइम में भी मैं उमर के साथ हूँ। बस उमर से यही शिकायत है, मुझे इस सफर में अपने साथ ले जाते, अकेले क्यों छोड़ दिया मुझे, वो तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, अभी छोड़ दिया। बस मैंने मौलाना तकी उस्मानी साहब से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने कहा है कि वो नमाज पढ़ाएंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों को एक बार फिर से उमर के लिए और दुआएं करें।